क्लास फिफ्थ, अब हम करेंगे इंग्लिश का लेसन 13 विनोद भावे की एक्सरसाइज। इसमें हमको सबसे शुरू में दिया है वर्ड पावर, ए नंबर में दिया है मैच द फॉलोइंग वर्ड विथ देयर मीनिंग। यहाँ कुछ वर्ड दिए हैं उसकी मीनिंग दी है, इनको क्या करना है, हमको मैच करना है। सबसे पहला दिया है मूवमेंट, इसका आंसर होगा मेन ग्रुप ऑफ पीपल शेयर सेम आइडियाज एंड एक्ट। सेकंड में दिया है पावर्टी, हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। फिर दिया है डिप्राइवेशन, हो जाएगा द फैक्ट ऑफ नॉट हैविंग समथिंग दैट यू नीड लाइक फूड मनी और अ होम। इसके बाद दिया हमको लॉजिक, हो जाएगा अ अवे ऑफ थिंकिंग ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग। फिर दिया है हमको प्रोस्पैरिटी, हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल स्पेशियली फाइनेंशियली। फिर दिया हमको बी नंबर में राइट एंटीनोम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमको एंटीनोम्स दिया है, उनके हमको लिखना है। तो सफर का हो जाएगा इंजॉय, जस्टिस हो जाएगा अनजस्टिस, इक्विटेबल हो जाएगा अनफेयर, अरेंज हो जाएगा डिसअरेंज। इसके बाद हम देखेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको, व्हेन वाज विनोबा भावे बोर्न, मतलब विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर हमको मिलेगा सबसे शुरू में, विनोबा भावे वाज बोर्न ऑन 11 सितंबर 1895। विनोबा भावे का जो जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 में हुआ था। फिर दिया है वेयर वॉस विनोबा भावे बोर्न, विनोबा भावे का जन्म किस जगह हुआ था या कहाँ पे हुआ था। इसका आंसर होगा विनोबा भावे वॉस बोर्न एट अगोदा अ स्मॉल विलेज इन कोलाबा इन मुंबई। ये हमका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमको दिया है, इसके बाद दिया है हमको थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड ही लाई विथ महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा ही लाई विथ महात्मा गांधी एट महात्मा गांधी एट साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है, विच मूवमेंट डिड ही पार्टिसिपेट इन एट नागपुर। इसका आंसर होगा ही पार्टिसिपेट इन, फिर यहाँ पे मिलेगा हमको झंडा सत्याग्रह मूवमेंट एट नागपुर। यहाँ तक इसका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया हमको व्हाट मूव्ड विनोबा भावे मोस्ट। इसका आंसर होगा हमारा शुरू में मिलेगा द पॉवर्टी एंड डिप्राइवेशन सफर्ड बाय इंडियन स्मॉल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर मूव्ड। इसके बाद लिख दिए होंगे आप विनोबा भावे। ये हमारा फिफ्थ का आंसर होगा। इसके बाद हमको दिया है व्हाई वॉज ही अवॉर्डेड भारत रत्न, उन्हें भारत रत्न किस लिए दिया गया था। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ से लिखेंगे हम ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर सर्विंग द नेशनल सेल्फिशली। वे निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा किए थे बगैर लोभ लालच के, इस कारण उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार हमारे यहाँ आंसर होते हैं। इसके बाद ये हमको नेक्स्ट बी नंबर का, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंटिक ट्रू और फॉल्स। यहाँ हमको ट्रू और फॉल्स बतलाना है। सबसे पहले दिया है मिन्याज ईयरली एजुकेशन टुक प्लेस एट वाराणसी। मिन्या की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो क्या वाराणसी में हुई थी, तो नहीं, हमारा हो जाएगा फॉल्स।
विनोबा फाउंड द पर्पोज ऑफ हिज लाइफ एट साबरमती आश्रम। विनोबा भावे जो थे उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य साबरमती आश्रम में जाने के बाद पता चला था। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। फिर दिया है पंचपली वॉज द फर्स्ट विलेज वेयर भूदान योजना टूक प्लेस, तो हो जाएगा ट्रू। इसके बाद है फोर्थ नंबर का विनोबा लाइव एट मुंबई, तो हो जाएगा फॉल्स। फिर दिया है फिफ्थ नंबर का विनोबा कॉल्ड हिज मूवमेंट सर्वोदय, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।